हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में भोले शंकर की पूजा करना कल्याणकारी और बेहद शुभ होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का पहला प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि और पूजा विधि और महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करना बेहद शुभ और लाभकारी कल्याणकारी माना गया है। प्रदोष काल हर महीने की त्रयोदशी को होता है और साल 2021 में जून माह का पहला प्रदोष व्रत 7 जून सोमवार को रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव चालीसा, शिव पुराण और शिव मंत्रों का जाप करना उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से उपासक के बिगड़े काम बन जाते हैं और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस बार प्रदोष व्रत के दिन सोमवार पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए अब जानते हैं जून का पहला प्रदोष व्रत कब है, तिथि और समय। दोस्तों, जून का पहला प्रदोष व्रत 7 जून सोमवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 7 जून को सुबह 8:48 से शुरू होकर 8 जून मंगलवार को सुबह 11:24 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद तक होता है। सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख मिट जाते हैं। इस समय में शिव जी की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। आइए अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, जिस इंसान का चंद्रमा बुरा प्रभाव दे रहा हो, यानी कि किसी का जिसका भी चंद्रमा कमज़ोर हो, उन्हें सोम प्रदोष व्रत को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में शांति बनी रहेगी और इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत के समय खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपवास के दौरान सिर्फ हरे मूंग का सेवन बहुत ही लाभकारी माना गया है। हरा मूंग धरती तत्व है जो मंदाग्नि को शांत करता है। इस व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। वैसे भी व्रत को फलाहार रखना ज़्यादा उचित होता है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा के लिए बैठें। व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करें। महिलाएं माँ पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग का सामान भी चढ़ाएं। इस दिन माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध घी, दही, शहद और गंगा जल मिलाकर
पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और भांग बेलपत्र ये भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद आप शिव चालीसा या शिव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें और सुनें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। पूरे दिन व्रत के नियमों का पालन करें। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत को पूरे दिन रखा जाता है। सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर दूध का सेवन करें और पूरे दिन उपवास धारण करें और शाम के समय फिर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके रुद्राभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। आज के दिन यदि प्रदोष काल में भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान कराकर उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, इससे हर कार्य में सफलता और मनोकामना सिद्ध होती है। प्रदोष काल में शिव पूजा के समय तांबे के लोटे से शुद्ध शहद की एक धारा जरूर अर्पित करें। शुद्ध शहद की एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पण करें और ओम सर्वार्थ सिद्धि, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। सोम प्रदोष के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि, पारिवारिक शांति और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान के साथ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करना चाहिए। उद्यापन से पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः का 108 बार जाप करें और हवन करें। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूर दें या ब्राह्मण को भोजन कराकर उद्यापन विधि पूरी करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।